नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं फैंटेसी विनिंग 11 यूट्यूब चैनल पर। और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन दोनों ही टीमों के बीच खेले जाने वाले सेकंड T20 इंटरनेशनल मुकाबले को। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, 3 मैचों की यह सीरीज रहने वाली है, जिसका पहला मुकाबला इंग्लैंड टीम ने बड़ी आसानी से जीत लिया था। लेकिन दोस्तों आज का मुकाबला अलग होने वाला है, क्योंकि जो पिछला मुकाबला आपने देखा था वहाँ पर फास्ट बॉलरों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी और पिछले ड्रीम टीम में जो कैप्टन थी वो फास्ट बॉलर रही थी। यानी ओवरऑल देखें तो आज का वेन्यू अलग है और दोस्तों ऐसे में हो सकता है आज के मुकाबले में टीम इंडिया आसानी से विनिंग प्राप्त करे, क्योंकि वेन्यू थोड़ा डिफरेंट आज के मुकाबले में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले बात करें दोनों ही टीमों के बारे में, तो इंग्लैंड की टीम में जो बड़े नाम है वो इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। वहीं दोस्तों इंडिया टीम से बात करें तो रॉड्रिक्स दोस्तों पिछला मुकाबला नहीं खेली थी, जो कि दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ लगातार रन करती और दोस्तों लगातार हर मुकाबले में स्कोर देखने को मिलते हैं, तो रॉड्रिक्स टीम में नहीं है। वहीं इंग्लैंड के जो बड़े नाम है वो भी इस टीम में शामिल नहीं है, तो ऐसे में कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के बहुत ज्यादा ऑप्शन हमारे लिए खुल जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, दोस्तों यहां से आपके लिए काफी आसान कैप्टन और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन होने वाला है। वहीं दोस्तों ट्रंप कार्ड के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों फाइनल अपडेट की बात करें तो हम टेलीग्राम चैनल पर इसकी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, बड़ी आसानी से आप वहां से हमसे जुड़ जाएंगे। फाइनल टीम प्लेइंग 11 और टॉस की जानकारी हम वहीं पर आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे अपन यहां से वेन्यू के बारे में, तो काउंटी ग्राउंड डर्बी में यह मुकाबला होने वाला है। और ऐसे में यदि बात करें वुमेन्स T20 स्टैटिक्स के बारे में, तो लास्ट जो मुकाबला इस वेन्यू पर खेला गया था वो July 2022 में खेला गया था। ओवरऑल देखें तो 8 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं, 6 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, वहीं मात्र 2 ही मुकाबले ऐसे रहे हैं जो बाद में यानी कि चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। दोस्तों यानी बात करें तो टॉस जीतने वाला कप्तान यहां पर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाला है, क्योंकि बाद में बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल इस ग्राउंड पर होता है, क्योंकि थोड़ा स्पिन ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में यदि स्पिन मिलेगा दोस्तों तो टीम इंडिया इंग्लैंड पर हावी आराम से हो सकती है। हालांकि दोस्तों वुमेन्स जो इंग्लैंड वुमेन्स है उनके पास भी एक्लस्टेन के तौर पर शानदार गेंदबाज हैं, तो ऐसे में देखा जाए दोस्तों आप ग्रैंड लीग में आसानी से कैप्टन वाइस कैप्टन स्पिनर को आज ट्राई कर चल सकते हैं। भाई दोस्तों बात कर रहे हैं इस ग्राउंड के एवरेज स्कोर के बारे में, तो 139 यहां पर लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 139 रहने वाला है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों ये स्कोर यदि इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो आपको 160 के आसपास दिखने वाला है। वहीं यदि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो ये स्कोर आपको 150 के आसपास दिखने वाला है। लेकिन यदि टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की तो ऐसे में दोस्तों इंग्लैंड की टीम की दूसरी पारी में स्कोर काफ़ी कम आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि टीम इंडिया 160 के इस रनों को आराम से 40 और 145 तक पहुंचा देगी, मात्र 15-20 रन से इस मुकाबले को हारने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों आपको टीम का सिलेक्शन टॉस के आधार पर कर चलना है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन और बात करेंगे हाईएस्ट स्कोर के बारे में, तो इस ग्राउंड पर वुमेन्स क्रिकेट इंग्लैंड वुमेन्स ने 176 रन बनाए थे। भाई दोस्तों लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 5 ओवर का ये मुकाबला हुआ था और वेस्ट इंडीज ने 41 रन यहाँ पर बनाए थे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 2 ही मुकाबले ऐसे रहे हैं जो 150 से कम का स्कोर यहाँ पर हुआ है। बाकी दोस्तों ओवरऑल देखें तो 150 से लेकर 170 के बीच में यहाँ पर 5 बार स्कोर बन चुका है और 170 से लेकर 190 के बीच में 1 बार स्कोर बना है। यानी पूरी उम्मीद है कि आपको 150 प्लस का स्कोर आज के इस मुकाबले में देखने वाला है। दोनों ही टीमों के रीसेंट मुकाबलों की बात करें तो टीम इंग्लैंड ने दोस्तों पिछले 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं, वहीं टीम इंडिया ने पिछले 6 में से 3 मुकाबले जीते हैं। इनमें से दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम भी शामिल हैं। वहीं यदि बात करें अपन हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में तो 24 मुकाबले दोनों ही टीमें आपस में खेल चुकी हैं। ऐसे में इंग्लैंड टीम का पड़ला काफी भारी है और इंग्लैंड टीम दोस्तों होम कंडीशन पर भी खेल रही है। यदि बात करें पिछले 3 मुकाबलों के बारे में दोनों ही टीमों के, तो इंडिया ने दोस्तों 1 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते हैं। इंडिया ने जो मुकाबला हराया था वो कॉमनवेल्थ में सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड को बाहर किया था। अब दोस्तों करें दोनों ही टीमों के बारे में, यहां पर हमको देखने को मिलने वाले हैं किस प्रकार के प्लेयर्स को हम कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कर आज के मुकाबले में चलने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। तो शुरुआत करें इंग्लैंड की टीम के साथ में, यहां पर आपको डैनी वेट,
टीम में दिखने वाली है। दोस्तों उसके पहले थोड़ा पिच रिपोर्ट पर यदि बात करें तो पिच रिपोर्ट आज इस प्रकार से रहने वाला है कि शुरुआत के दोनों ही इनिंगों में आपको शुरुआत के 2 से 3 ओवर में थोड़ा बहुत स्विंग देखने को मिलने वाला है, यानी एक आज फास्ट बॉलर आप अपनी टीम में शामिल कर चल सकते हैं। बाकी दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो लगभग ऑलराउंडरों को ही आप अपनी टीम में शामिल करें, जिनमें दोस्तों स्पिनर ऑलराउंडर हैं तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आज के इस मुकाबले में रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से डैनी वेट के बारे में। तो लास्ट के 40 मुकाबलों में इन्होंने बॉलिंग नहीं की है, इसको आप जानते हैं। बाकी ओवरऑल बात करें तो 132 मुकाबले खेले हैं, 2107 रन इनके बल्ले से निकले हैं, 21 का इनका एवरेज है और 124 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। दोस्तों ओवरऑल देखें तो पिछले कुछ मुकाबलों से लगातार इनके बल्ले से स्कोर हुआ है, लास्ट मुकाबले में 24 रन की पारी खेली है। और यदि आप ग्रैंड लीग में थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना चाहते हैं तो आज के मुकाबले में इस प्लेयर को ड्रॉप कर चलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले कुछ मुकाबलों से 30, इसके बाद एक मैच ड्रॉप हुआ 27, इसके बाद एक मैच ड्रॉप हुआ 35 और इसके बाद एक मैच हुआ और 24 रन, यानी देखा जाए तो इस हिसाब से आज के मुकाबले में ये स्कोर नहीं करेंगी। लेकिन हेड टू हेड स्मॉल लीगों में रिस्क नहीं लेना है, इस प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करके चलना है। पिछले मुकाबले में 24 रन इन्होंने अपनी टीम के लिए बनाकर दिए थे। भाई यदि बात करें अपन सोफिया डंकली के बारे में, 31 मैचों में 21 के एवरेज से 305 रन इन्होंने बनाए हैं, लास्ट मुकाबले में शानदार 61 रनों की पारी के लिए। दोस्तों होम कंडीशन में इनका काफ़ी अच्छा बल्ला चलता है। जो ये मुकाबले आप देख रहे हैं ये कॉमनवेल्थ गेम के रहे हैं, वहां पर ये पूरी तरह से फ्लॉप रही थी। और दोस्तों बात करें अपन एलिसा कैप्से के बारे में, 7 मैचों में 26 के एवरेज से 150 रन इन्होंने बनाए हैं, पिछले मुकाबले में टीम के लिए 32 रनों की नॉट आउट पारी इन्होंने खेली है। हालांकि दोस्तों पिछले मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग नहीं की है। ओवरऑल देखें ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती हैं, आज के मुकाबले में बॉलिंग करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 1 से 2 ओवर ये कर देने वाली हैं, 5 इनिंग में 5 ओवर इन्होंने फेंके हैं, यानी देखें तो थोड़ा बहुत आज बॉल घूमने वाला है। तो ऐसे में ऑफ ब्रेक बॉलर को आप अपनी टीम में शामिल कर जरूर चलें। एमी जॉन्स विकेट कीपिंग सेक्शन में रहने वाली है, निश्चित तौर पर आपको टीम में शामिल है, क्योंकि टीम इंडिया की जो विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे आता है, 8वें और 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखती हैं, इसलिए एमी जोन्स को ही आप अपनी टीम में शामिल करें। इसके अलावा दोस्तों बात करें माइया बाउचर के बारे में, तो पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड की टीम का मात्र एक ही विकेट गिरा था। लेकिन आपको बता दें 5वें नंबर पर यह बल्लेबाजी करने आती है और पिछले कुछ मुकाबलों से इनके बल्ले से स्कोर भी नहीं है, तो इसको आप ड्रॉप कर जरूर चल सकते हैं। वहीं यदि बात करें अपन ब्राउनी स्मिथ के बारे में, तो 5 मैचों में 5 का एवरेज इनका रहा है, 2 मैचों में ही इन्होंने बॉलिंग की है, 3 ओवर कवर किए हैं। ग्रैंड लीग के हिसाब से देखें तो ये पिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऑफ ब्रेक ये गेंदबाजी करती हैं। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टीम बनाते हैं, वहीं पर आप इन्हें अपनी टीम में शामिल करें, बाकी इनको ड्रॉप कर आप जरूर चलें, क्योंकि 2 मैच खेले हैं, 2 मैचों में बॉलिंग की है और 1 भी विकेट अभी तक इनको नहीं मिला है। इसके अलावा दोस्तों एक्लिस्टन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है, आप इन्हें हेड टू हेड स्मॉल लीगों में भी कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कर चल सकती हैं। पिछले मुकाबले में दोस्तों हालांकि इनको विकेट नहीं मिला है, लेकिन अपने स्पेल के 4 ओवर इन्होंने कवर किए थे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती हूँ, यदि इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करती है, मतलब बाद में जब गेंदबाजी करने आएगा दोस्तों, तो एक्लिस्टन को आप कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर चल सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पिनर हैं और पिछले कुछ मुकाबलों से लगातार विकेट भी निकाल कर दे रहे हैं। वहीं यदि बात करें अपन कैंप के बारे में, तो लेफ्ट आर्म मीडियम ये गेंदबाज है, स्टार्टिंग में बॉलिंग करने आते हैं, तो ऐसे में दोस्तों इनको स्विंग मिलने के पूरे चांसेस हैं। पिछले मुकाबले में 3 ओवर फेंके हैं, हालांकि विकेट नहीं मिला है, लेकिन ओवरऑल देखें तो 6 मैचों में 8 विकेट टीम के लिए निकाल कर दे चुकी हैं पिछले मुकाबले में। और दोस्तों इसके पहले के 3rd मुकाबले में विकेट नहीं मिला है, हर मुकाबले में विकेट निकाल कर इन्होंने दिया है। अब बात एफ डिवाइस के बारे में, दोस्तों लास्ट मुकाबले में 4 ओवर फेंके हैं, 1 विकेट टीम के लिए निकाला है दोस्तों, क्योंकि ये डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करती हैं और दोस्तों राइट टर्म फास्ट मीडियम गेंदबाजी करती हैं, स्टार्टिंग में यदि स्विंग मिलता है तो ऐसे में ये दोस्तों थोड़ी खतरनाक हो सकती है, विकेट निकाल कर जरूर दे सकती हैं। अब बात करें दोस्तों लेग ब्रेक गेंदबाज सारा ग्लेन के बारे में, तो पिछले मुकाबले में 4 विकेट टीम के लिए निकाल कर दिए थे, तो ऐसे में देखें एक्लिस्टन और दोस्तों सारा ग्लेन दोनों ही ऐसी गेंदबाज हैं जो आपको लेफ्ट आर्म दोस्तों बॉलिंग करते हुए देखने वाली हैं, स्पिनर हैं, निश्चित तौर पर विकेट निकाल कर देने वाली हैं। यदि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो दोस्तों इन दोनों ही यानी दोनों स्पिनरों के साथ आप टीम तैयार कर चल सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें लॉर्ना बेल के बारे में, तो पिछले मुकाबले में 3 ओवर फेंके हैं, कोई विकेट नहीं मिला है, राइट आर्म फास्ट मीडियम गेंदबाजी करती हैं, तो इस प्लेयर को आप ड्रॉप कर चल सकते हैं। बाकी दोस्तों ग्रैंड लीग की बात करें ना, तो डेथ ओवर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहने वाली है, क्योंकि जब भी ये विकेट निकालती दोस्तों काफ़ी ज़्यादा विकेट निकाल कर देती हैं। इसके पहले के 3 मुकाबलों पर ध्यान दोगे तो वहाँ पर
उन्होंने 8 विकेट 3 मैचों में निकाल कर दिए हैं। ये डोमेस्टिक के रिकॉर्ड हमने आपके लिए बताए हैं। बेंच स्ट्रेंथ से कोई प्लेयर टीम में शामिल होता है तो इसकी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करते चलिएगा। अब बात करें टीम इंडिया के बारे में, तो शेफाली वर्मा दोस्तों बेस्ट ऑप्शन ग्रैंड लीग की रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ही स्विंग मिलने वाला है। और दोस्तों ऐसे में आप जानते हैं शेफाली वर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं, 30-40 का स्कोर कर देंगी, तो बेस्ट ऑप्शन ग्रैंड लीग की कैप्टन वाइस कैप्टनसी का रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करती हैं, पिछले कुछ मुकाबलों से लगातार बॉलिंग भी कर रही हैं, ऐसे में आज थोड़ा स्पिन मिलने वाला है, 1-8 विकेट मिलता है तो बेस्ट ऑप्शन ये हमारे लिए रहने वाली है। बाकी हेड टू हेड स्मॉल लीगों में भी आप अपने टीम में शामिल कर चल सकते हैं। स्मृति मंदाना दोस्तों काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस पिछले कुछ मुकाबलों से करती हुई आ रही हैं, आराम से आप अपने वाइस कैप्टन ट्राई कर चल सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें अपन डायलन हेमलता के बारे में, तो इस प्लेयर को आप पूरी तरह से ड्रॉप करें, ये बिल्कुल भी ना सोचें कि नंबर 3 पर ये बल्लेबाजी करने आती हैं। क्योंकि यदि इनके हम ODI रिकॉर्ड्स भी बताएं तो 7 मैचों में मात्र 56 रन बनाए हैं 14 के एवरेज से, वहीं 7 मैचों में 24 ओवर फेंके हैं, 3 विकेट निकाले हैं, यानी ओवरऑल देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस इनका बिल्कुल भी नहीं है। T20 रिकॉर्ड्स की बात करें तो 8 मैचों में मात्र 36 रन है, और पिछले दोस्तों 6 मैचों की यहां पर बात करें तो दोस्तों मात्र पिछले मुकाबले में 10 रन इन्होंने बनाए थे। तो ऐसे में इस प्लेयर को आप ड्रॉप करें, इसको आप अपनी टीम में शामिल बिल्कुल भी ना करें। अब बात करें हरमनप्रीत कौर के बारे में, टीम के कप्तान होने के साथ साथ ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करती हैं, पिछले मुकाबले में 1 ओवर कवर किया है, 20 रन इन्होंने बनाए हैं, कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन टीम इंडिया की तरफ से ये रहने वाली हैं। अच्छी पिक हैं, आप आराम से इन्हें अपनी टीम में शामिल कर चल सकते हैं। बात करेंगे ऋचा घोष के बारे में, विकेट कीपिंग सेक्शन में पिछले मुकाबले में 16 रन बनाए थे, तो इसको आप ड्रॉप कर चलिएगा क्योंकि हम एमी जोन्स को अपनी टीम में शामिल कर चलने वाले हैं। दोस्तों बात करेंगे अपन किरण प्रभु के बारे में, तो लास्ट मुकाबले में दोस्तों इनके बल्ले से 7 रन आए हैं, बॉलिंग ये करती नहीं है, इसलिए इस प्लेयर को ड्रॉप करिएगा। T20 डोमेस्टिक में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आती थी, यानी 6वें नंबर पर ही बैटिंग करेंगी, बाकी दोस्तों पिछले कुछ मुकाबलों से इनके रन नहीं है, तो ऐसे में ड्रॉप करें क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रिकेटर टीम इंडिया के सामने रहे हैं, टीम इंडिया के ग्राउंड पर रहे हैं, दोस्तों विदेशों में इनका ये पहला एक्सपीरियंस है, ऐसे में इनको आप ड्रॉप कर जरूर चल सकते हैं। दीप्ति शर्मा बेस्ट ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टनसी का रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आज के मुकाबले में थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करने आए, और लास्ट मुकाबले में 29 रन बनाए हैं, 2 ओवर कवर किए हैं, कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों आज स्पिन में होने वाली है, तो ऐसे में इस प्लेयर को आप अपनी टीम में शामिल कर जरूर चलें। पूजा वस्त्रकर पिछले मुकाबले में 3 रन दोस्तों 2 ओवर फेंके, कोई विकेट नहीं, राइट टाइम मीडियम गेंदबाजी करती है, और पिछले कुछ मुकाबलों में आप देखिएगा इनको विकेट नहीं मिले हैं, इसलिए इस प्लेयर को भी ड्रॉप कर चलें। स्नेहा राणा दोस्तों लास्ट मुकाबले में 3 ओवर फेंके, 1 विकेट टीम के लिए निकाला, क्योंकि ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर रही हैं, और दोस्तों राधा यादव की बात करें तो ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करती हैं, बेस्ट ऑप्शन आज के लिए रहने वाली हैं। हालांकि दोस्तों पिछले मुकाबले में आपने देखा है इन्होंने गेंदबाजी नहीं की है, अब दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन है, यदि आज गेंदबाजी करती हैं तो विकेट निकालेंगे, अब दोस्तों गेंदबाजी ही नहीं करेंगी तो विकेट कैसे निकालेंगी, तो इसकी जानकारी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से 7 बॉलर खेले थे, तो ऐसे में इनको मौका नहीं मिल पाया। हालांकि दोस्तों सीनियर प्लेयर हैं, बॉलिंग करवाना चाहिए था, पिछले मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग नहीं की है। रेणुका सिंह की बात करें तो पिछले मुकाबले में 4 ओवर फेंके, कोई विकेट नहीं मिला है, राइट टाइम मीडियम फास्ट ये गेंदबाजी करती हैं दोस्तों, तो आज के लिए बात करें तो इनका टीम में सिलेक्शन हम नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले कुछ मैचों में लगातार विकेट टीम के लिए निकाल कर दिए हैं, पर आज दोस्तों विकेट ऐसा नहीं है, टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करती है तो हम टीम में इनको शामिल कर चल सकते हैं, बाकी हम ड्रॉप कर चलने वाले हैं। बेंच स्ट्रेंथ से कोई प्लेयर टीम में शामिल होता है तो इसकी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।